अगर आपको व्यवस्थित कोर्स चाहिए है तो व्यवस्थित जो कोर्स है दोस्तों आपको परीक्षा ऐप पर मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाएं या नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। आपको खरीदना है एक कोर्स दोस्तों 4000 रुपये का है, पूरा कंप्लीट आपका जो 5 विषयों का कंप्लीट कोर्स है। ये आपको लाइव क्लास के माध्यम से, लाइव का शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, जैसा आपका क्लास में रहता है, आप कोचिंग जाते हो और आपकी क्लास में रहता है कि इतने बजे हिंदी की लगेगी, फिर मैथ की लगेगी क्लास, ऐसे ही आपकी क्लासें आपको घर बैठे जो है मिलेंगी। तो आपको इसका जो कोर्स का चार्ज रखा है वो कितना रखा है, 4000। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था परीक्षा ऐप वालों ने की है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 40% ऑफ मिल सकता है। ऑफ मिलेगा यानी कि ये जो आपका कोर्स है वो 4000 का ना होकर आपका कितना का हो जाएगा, 2400 रुपये का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको 4000 का खरीदने में अच्छा रहेगा कि 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा, आपको 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा ये कोर्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर कोर्स पर जाना है, ठीक है, जेल प्रहरी वीडियो लाइव वीडियो कोर्स पर जाना है और वहां पर आपको कूपन कोड जो है सेल्फ SC40, ठीक है, सेल्फ SC40 एक कूपन कोड यूज करना है, तो आपको जो है 40% ऑफ मिल जाएगा और आपका जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 2400 रुपये का। करना है सबसे पहले आपको 2 सेकंड में दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपके 2 सेकंड पूरे होते हैं और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल मतलब एक चीज हमें बताना कि आप दूध और दही लेके आते हैं कि नहीं आते, लेके आते हैं मतलब लेके, तो लैक्टिक अम्ल। चित्र के माध्यम से देखें, आप दूध लेके आ रहे हो, दही लेके आ रहे हो, दूध लेके आते हैं, दूध और दही क्या करते हैं, हम लेके आते हैं, तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि हम लेके आते हैं तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगर याद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला देखते हैं दोस्तों, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मक्खन में, मक्खन में अम्ल बताना है। आपने मक्खन देखा होगा, दूध जब जम जाता है और दही बनता है और दही से हम मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्यूटेरिक अम्ल। दोस्तों आपको पता होगा कि चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, और जब आप मक्खन लगाओगे चेहरे में तो आप ब्यूटीफुल हो जाओगे, ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटेरिक। तो मक्खन में कौन सा अम्ल होगा, ब्यूटेरिक अम्ल, क्योंकि मक्खन क्या बना देता है, ब्यूटी बना देता है, ठीक है, तो ब्यूटेरिक अम्ल। चित्र के माध्यम से देखो आप, ब्यूटी, ये मक्खन लगा रहे हैं और आप ब्यूटी हो जाओगे, तो मक्खन लगाओगे तो ब्यूटी हो जाओगे, तो मक्खन में कौन सा अम्ल होगा, ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है। याद हो रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव, सेव बताना है आपको, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अम्ल। अब एक चीज बताना, आप सेव खरीदने जाते हो, सेव खरीदने जाते हो कि मोल भाव करते हो कि नहीं करते हो, करते हो। अगर दुकानदार 160 रुपया किलो बताता है तो आप बोलते हो नहीं 120 रुपया किलो दे दो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मोल भाव करते हो, तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मौलिक अम्ल, क्योंकि आप सेव का क्या करते हो, मोल भाव करते हो, तो मौलिक अम्ल, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, फलों के रस व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है हमें, फलों के रस व सिरका में अम्ल बताना है। आपके 2 सेकंड पूरे होते हैं और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों एसीटिक अम्ल। अब एक चीज बताना, आपने घरों में देखा होगा कि आप फलों को है ना और सिरका को काय में रखते हो, एसी में रखते हो, एसी में, तो फलों के रस व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसीटिक, क्योंकि आप एसी में रखते हो, फ्रिज में रखते हो, तो एसीटिक अम्ल, ठीक है, फलों के रस व सिरका में एसीटिक अम्ल। आपको याद हो रहा होगा दोस्तों, आपको याद नहीं करना है, अपने आप याद होगा जब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि चींटी बिच्छू और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपके 2 सेकंड आपके लिए उत्तर बताने के लिए, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, यानी कि
आप समझ गए होंगे कि खेत, आप बोलते ना कृषि फार्म, तो फार्म मतलब आपने यहाँ बोला कि खेत, और खेत में पता है चींटी भी पाई जाती है, बिच्छू भी पाए जाते हैं और मधुमक्खी भी पाए जाते हैं, तो खेत यानी कि फार्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, एक खेत है और खेत में आपको बिच्छू भी है और यहाँ पर खेत में मधुमक्खी भी है, तो मधुमक्खी जो है खेत में है, कृषि फार्म में है, तो फार्म है, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, क्योंकि ये कृषि फार्म में मिल जाते हैं। ठीक है, तो कृषि फार्म में कौन मिल जाते हैं, चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी, तो इनमें कौन सा अम्ल होगा, फार्मिक अम्ल होगा। ठीक है, याद हो रहा होगा दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर में आपने देखा होगा सोडा, बड़े अच्छे से लोग बोलते हैं कि सोडा बनाओ यार, तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि कार में लोग सोडा लेके घूमते हैं, सोडा लेके घूमते हैं और आप बोलते हो कि सोडा बनाओ, सोडा ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर सोडा लिखा, और एक कार में घूमते हैं, तो कार्बोनिक अम्ल, सोडा में कौन सा अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल, क्योंकि सोडा लेकर काय में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, तो कार्बोनिक। ठीक है, अगला देख लो दोस्तों, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग चाय पीते हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप चाय क्यों पीते हो रोज, तो आप क्या कहोगे, सबसे पहली बात तो आप दैनिक पीते हो, तो दैनिक से क्या हो जाएगा, टैनिक। ठीक है, टैनिक है ना, चाय कब पीते हो, मैं आपसे बोलूं चाय कब पीते हो, आप बोलोगे दैनिक, तो टैनिक। अब क्यों पीते हो, तो आप बोलोगे टॉनिक मिलता है उससे, क्या मिलता है, टॉनिक, तो टैनिक आपको याद रख लेना है, एक तो दैनिक चाय पीते हो तो दैनिक से टैनिक, और चाय में क्या मिलता है, तो आपको टॉनिक मिलता है। ठीक है, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टैनिक पाया जाता है, क्योंकि चाय में आपको टॉनिक मिल जाता है, तो टॉनिक यानी कि टैनिक आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यह है चाय, और चाय में आपको मिलता है टॉनिक। ठीक है, हाँ, अगला देखो, यहां पर बसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओलिक, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओलिक। अब बसा अलग अलग होते हैं दोस्तों, एक तो बोलते हैं हम दिल में बसा लिया, क्या होते हैं, दिल में वसा लिया, वो वाला वसा अलग है, और वसा जो होता है जैसे घी में पाया जाता है वसा, है ना, वो वसा अलग है, तो आपको वसा में बताना है, वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रख लेना है ओली, ओली को दिल में वसा लिया, ओली को, ओलिक को दिल में वसा लिया, तो वसा ऐसे याद रख लेना, ओली को दिल में बसा लिया, तो बसा में कौन सा, ओलिक, ओलिक अम्ल, ओलिक। ठीक है, इस प्रकार से याद रखने हैं, ओलिक। नींबू और मौसम्बी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दोस्तों आपने नींबू भी देखा होगा, मौसम्बी भी देखा, आप बोलते हैं ना कि मौसम्बी का अच्छा रस बनाओ यार, नींबू का रस बनाओ, है ना, शरबत बोलते हैं नींबू का रस बनाओ, अब आपको नींबू और मौसम्बी का अगर रस बनाना है तो क्या करना होगा, आपने कभी बनाया भी नहीं है, तो नींबू और मौसम्बी को रस बनाने की भी एक आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, जैसे हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो आपको भी ट्रिक होनी चाहिए, नींबू का रस और मौसम्बी का रस तभी निकलेगा जब आपके पास क्या है, ट्रिक, तो साइड ट्रिक, है ना, नींबू और मौसम्बी में कौन सा, साइड ट्रिक, नींबू और मौसम्बी का रस निकालने के लिए आपके पास होनी चाहिए ट्रिक, तो इनमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है साइड ट्रिक। ठीक है, अगर मैं आप कभी बोलूं कि यार नींबू का रस बनाओ, बोल देना सर मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, या मैं ट्रिक से रस निकालता हूं। ठीक है, तो नींबू और मौसम्बी साइट्रिक अम्ल। अगला देखो, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली भी आपने देखी होगी दोस्तों और अंगूर भी आपने देखा होगा, तो कौन सा पाया जाता है इमली और अंगूर में, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। दोस्तों आपने देखा होगा टार्टरी, टार्टरी देखा होगा, है ना, जैसे आप बोलते ना नमकीन बनता है या कुछ बनता है तो आपको खटमिट्टा लगता है, वो टार्टरी से लगता है, टार्टरी, यह टॉटरी। अब टॉटरी जब खटमिट्टा लगता है तो टॉटरी काय से बनेगा, इमली और अंगूर से बनेगा, है ना, तो याद रख लेना टॉटरिक, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, अंगूर और इमली में। ठीक है, याद रख लेना कौन सा, टॉटरी, टार्टरी याद रखने, टार्टरी होता है खटमिट्टा, इमली भी खटमिट्टी होती है और अंगूर भी, तो ये टॉटरी बनती है इनसे, टॉटरी याद रखेंगे, इमली और अंगूर टॉटरी। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ग्लूटेनिक, कौन सा, ग्लूटेनिक। अब हम आपसे कहें कि जो गेहूं है इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होगा, ग्लूटेनिक अम्ल, ग्लूटेनिक, ग्लू से ग्लूकोज और टेनिक से टॉनिक,
ग्लूकोज का टॉनिक आपको देना चाहिए, ठीक है। तो गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है, याद रख लेना, ठीक है, गेहूं। और भी देखें, गन्ना में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? आप लोग गन्ना खाते होंगे, गन्ना खाते ना, तो गन्ना खाते होंगे, लेकिन गन्ना खाते तो होंगे लेकिन आपके गले में फंस जाता होगा, काय में, गले में। तो गन्ना में कौन सा अम्ल होगा? जब ये गले में फंस रहा है तो ग्लाइकोइन, आपने क्वाइन देकर गन्ना खरीदा, क्वाइन देकर गन्ना खरीदा लेकिन काय में फंस गया, गले में फंस गया, तो ग्लाइकोइन, गन्ना खरीदा क्वाइन देकर और गले में फंस गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ग्लाइकोइन जो है गन्ने में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, गन्ना आपको खाना नहीं है क्योंकि ये गले में फंस जाएगा, आपको इसका जूस पीना है, ठीक है। तो ग्लाइकोइन गन्ने में अम्ल पाया जाता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओलिक, कार्बोनिक, यूरिक या फिर ऑक्जेनिक। तो प्रश्न क्रमांक आपका 13 है, आपको अम्ल बताना है। तो सभी को पता है यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सरल है, आसान है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घास पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, घास पत्तों में जो घास के पत्ते होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बेंजोइक। क्या है? बेंजोइक। बेंजोइक से क्या हो जाएगा? बेंचो, बेंचो, क्या बेंचो? घास के पत्ता बेंचो, तो बेंजोइक। दोस्तों आपको बताना है चावल मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कितने होते हैं? 24 होते हैं। एक बार की बात सुनो दोस्तों, मेरी बीबी ने कहा कि आज हम चावल टमाटर बना रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मैंने कहा कि क्या बना रहे हैं, तो चावल टमाटर बना रहे हैं। फिर शाम को बोला तो क्या बना रहे हैं, चावल टमाटर बना, मैंने कहा 24 घंटे चावल टमाटर क्या लगा रखा है? तो चावल टमाटर, चावल टमाटर, ये क्या लगा रखा है 24 घंटे? तो चावल टमाटर का गुणसूत्र कितना होगा? 24, ठीक है, क्योंकि क्या बन रहा है, 24 घंटे चावल टमाटर बन रहा है, ठीक है। तो 24 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, आम और चूहे का गुणसूत्र, आम और चूहे का गुणसूत्र कितना होता है? 39, 40, 42 या फिर 41। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40। कितना होता है? 40, ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज बताना, आम कितने रुपया किलो होते हैं? लगभग 40 रुपया किलो होते हैं। और आप एक किलो आम 40 रुपया के खरीद कर लाए और घर पर आके रखा और ये चूहा जो आपको दिख रहा है ये पूरा आम आपके खा गया, ठीक है। तो आप कितने रुपया के लाए थे? 40 रुपए के लाए थे और आम खा गया चूहा। कितने रुपए के? 40 रुपए के। तो आम का गुणसूत्र भी 40 हो गया, और आम 40 के खाए तो चूहे का गुणसूत्र भी कितना हो गया? 40 हो गया। अब आपको याद भी हो गया कि आम का गुणसूत्र 40, तो चूहे का गुणसूत्र भी 40 ही होगा, क्योंकि आम तो चूहा खा गया, ठीक है। इसलिए आपको याद करना है, बिल्ली, शेर और टाइगर में गुणसूत्र होते हैं। अब दोस्तों आपने देखे होंगे बिल्ली, शेर और टाइगर, ये सभी एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। अब इनके गुणसूत्र कितने होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 38। कितने होते हैं? 38। अब जब आप 38 लिखते हो तो आप बोलते ना कि टाइगर क्या हो जाता है? अड़ जाता है। टाइगर अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है, बिल्ली भी आपने देखी होगी अड़ जाती है। जब बिल्ली अड़ जाए तो किसी की दम नहीं होती कि बिल्ली के साइड जाए, है ना। तो बिल्ली भी अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है और टाइगर भी, तो अड़ जाता है। सो अड़ से क्या बनेगा? 38, ठीक है। तो बिल्ली, शेर और टाइगर अड़ जाते हैं, इसलिए इनके गुणसूत्र कितने हैं? 38, ठीक है। अब देखते हैं हाथी में कितने गुणसूत्र हैं। हाथी में आपको बताना है कितने गुणसूत्र हैं। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखते जाएं, वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है दोस्तों। हाथी में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 56 होते हैं। अब आपने 56 इंच का सीना सुना होगा दोस्तों, अब जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। हम बोलते ना कि हाथी जैसा शरीर लगाए हो और आप में कोई ताकत नहीं है, तो जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी हाथी जैसा होगा, या फिर जो हाथी जैसा होगा उसका सीना 56 इंच होगा, ठीक है। तो 56 इंच, 56 गुणसूत्र होते हैं हाथी में, ऐसा आपको याद करना है। अगला देखो दोस्तों, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मच्छर,
मच्छर सभी लोगों ने देखे होंगे, मच्छर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छह, यहां पर आ रहा ना छह मच्छर, तो छह आ रहा है यहां पर, तो मच्छर में छह गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? छह। ये चीज याद रखनी ना, इस मच्छर में कितने गुणसूत्र हैं? छह गुणसूत्र, ठीक है। मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? मक्खी, आपके घर में मक्खी रहती होंगी, आप बहुत सफाई करते फिर भी मक्खी रह जाती हैं, एक दो मक्खी तो रह जाती हैं, एक दो मक्खी तो रह ही जाती हैं, आप कितना सफाई करो कितनी दवाई डालो एक दो मक्खी तो रह जाती हैं। तो मक्खी का जो गुणसूत्र होगा वो कितना होगा? एक दो यानी कि 12, ठीक है, एक दो मक्खी रह जाती हैं, इसको ऐसे याद करना है। अगला है दोस्तों, मक्का में गुणसूत्र होते हैं, मक्का, मक्का बोते ना आप लोग, मक्का खाते होंगे, भुट्टे खाते होंगे मक्का, और कई लोगों को तो अगर भुट्टे मिल जाए तो बीसक भुट्टा खा जाएंगे, कितने खा जाएंगे? बीसक भुट्टे खा जाएंगे। तो मक्का में गुणसूत्र होते हैं कितने? 20 होते हैं, 20। अब आप 20 भुट्टे जरूर खा जाएंगे, अगर आपको भुट्टे मिल जाए ना तो 20 भुट्टे खा जाएंगे, तो भुट्टे यानी कि मक्का, मक्का का भुट्टा, और इसमें गुणसूत्र होते हैं 20। ऐसे याद करते जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दूसरे वीडियो भी जरूर देखें इसी प्रकार के। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी को पता है, पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है, 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब कितने हो जाएंगे? तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, 46। 46 यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही, 23 जोड़े या फिर 46 इस प्रकार से आते हैं। अगला बताना है दोस्तों आपको, चिंपांजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपने अगर कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, बाल विकास मनोविज्ञान में कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो कोहलर क्या करता है कि उसको केला उसको भूख लगती है तो उसको केला चाहिए, तो और केले के लिए वो अड़ जाता है, क्या हो जाता? अड़ जाता है। तो चिंपांजी और आलू, यहां पर चित्र में देखो, ये चिंपांजी है और ये चिंपांजी भी आलू खाना है इसको, ये अड़ गया है कि हमें तो आलू ही खाना है। कौन? चिंपांजी अड़ गया है कि आलू खाना है, अड़ गया है तो 48, ठीक है, और ये 48 साल का चिंपा है, ठीक है, ये लगभग 48 आलू खा जाएगा, कितने खा जाएगा? 48, तो 48 आलू खा जाएगा चिंपा 48 साल का, ठीक है, और ये अड़ गया है आलू खाने के लिए। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 48, चिंपांजी और आलू का गुणसूत्र कितना होगा? 48, ठीक है। अब देखें दोस्तों, घोड़ा का जो घोड़ा में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? घोड़े में बताना है आपको कितने गुणसूत्र होते हैं घोड़े में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 64। जी हाँ दोस्तों, ये जो घोड़ा है ये अपने चार पांव से एक दिन में 64 किलोमीटर दौड़ता है ना, घोड़ा एक दिन में कितने किलोमीटर दौड़ता है? 64 किलोमीटर, आपको याद रख लेना 64, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कबूतर में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं कबूतर में गुणसूत्र? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 साल, है ना, 80। कितने गुणसूत्र होते हैं कबूतर में? 80 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि आजकल के जो 80 साल के बुड्ढे हैं वो भी ये गाना गाते हैं, कबूतर जा जा जा, आपने नाम सुने होंगे ना, तो 80 साल का बुड्ढा भी क्या गाता है? कबूतर जा जा वाला गाना गाता है। तो कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 80, क्योंकि 80 साल का बुड्ढा भी गाना गाता है कबूतर जा जा जा, इस प्रकार से याद करते जाना है, ठीक है। ये देखो कसरत कर रहे हैं 80 साल के बुड्ढे। प्याज और कंगारू में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? 12 का उत्तर हमें बताना है, प्याज और गुणसूत्र कंगारू में कितने होते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्याज यानी कि 16, है ना, 16 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रख लेना, प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं। प्याज को ऐसे कर दो अगर, प्यार हो जाएगा इस प्रकार से, तो प्यार, आजकल के जो लड़का होते हैं वो 16 साल में भी प्यार करने लगते हैं और बार बार कंघा फेरते हैं अपने बालों पर, ठीक है, तो कंघा से कंगारू भी 16 साल, ठीक है, यानी कि 16 गुणसूत्र होते हैं कंगारू में, और प्याज में भी 16 गुणसूत्र होते हैं, इस प्रकार से याद कर लेना।
अब देख लो मेंढक में गुणसूत्र होते हैं, तो मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? मेंढक आपने देखा होगा कभी, कितने होते हैं? 28, 29, 26 या फिर 27। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कितने होते हैं? 26 होते हैं। आप अगर बरसात के समय में चाहो तो मेंढक 26 मेंढक को ढक सकते हो, ढक मेंढक में ढक 26 मेंढक को ढक सकते हो। तो मेंढक में गुणसूत्र कितने होते हैं? 26, है ना। गाजर में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, गाजर, गाजर में कितने होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। और आप अगर गाजर का क्या खाते हो, गाजर का जूस पीते हो, जूस, तो आप भी कितने साल के हो जाओगे? अब दोस्तों आपको बताना है गाजर में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं गाजर में? आपने गाजर देखी होगी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। कितने गुणसूत्र होते हैं? 18 गुणसूत्र होते हैं। अगर आप गाजर का जूस पीते हो तो आप चाहे 60 वर्ष के हो, कितने वर्ष के हो जाओगे? 18 वर्ष के हो जाओगे। चित्र में देखो ये सभी क्या करते हैं, गाजर का जूस पीते हैं, और ये कितने वर्ष के लग रहा है आपको? 18 वर्ष जैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये गाजर का जूस पीते हैं तो 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो गाजर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 18। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला देखो, भालू में गुणसूत्र होते हैं, भालू, भालू आपने देखा होगा, भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 74, ठीक है। अगर आपका शरीर भी भालू जैसा हो गया तो आप 74 साल के लगने लगोगे, है ना। जिसका शरीर भालू जैसा हो गया है वो 74 साल का लगेगा, या 74, ठीक है। तो याद रख लेना है आपको, आपका शरीर आपने देखा होगा कि 18 साल का है एक व्यक्ति, लेकिन उसका शरीर भालू जैसा हो गया तो वो कितने साल का लगने लगा? 74 साल का। तो 74 होते भालू में गुणसूत्र। अगला है दोस्तों, गेहूं में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते गेहूं? आप लोग देखते होंगे आपके खेत में गेहूं बोए होते हैं, ठीक है, और गेहूं आपने देखे होंगे, तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 42 गुणसूत्र होते हैं। एक बार मेरे दोस्त के खेत में गेहूं बोए थे और गेहूं में आग लग गई। मैंने उससे पूछा कि आपके कितने खेत में, कितने एकड़ खेत में आग लग गई, तो उसने कहा कि 42 एकड़। कितने? 42 एकड़ खेत में मैंने गेहूं बोया था और उसमें क्या लग गई? आग लग गई। तो गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 42, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है खरगोश में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं? दोस्तों गांव में खरगोश को बोला जाता है खरा, क्या बोलते हैं? खरा, ठीक है। अब देखना, खरा वही उतरेगा, खरा वही उतरेगा रेस में, रेस में खरा वही उतरेगा जो अपने चार चार पांव से दौड़ेगा, चार चार पांव से दौड़ेगा वही खरा उतरेगा, और खरा को खरगोश कहा जाता है। तो गुणसूत्र कितना होगा? 44। जल का पीएच मान कितना होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और एक चीज बताना दोस्तों कि जल जो है, हम बोलते ना कि जल है तो कल है, और जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा तो कौन नहीं छोड़ेगा? जल। अर्थात जल हमारी जिंदगी भर के लिए उपयोगी है और हमें साथ लेकर के चलना है बॉटल में, ठीक है। तो साथ लेकर चलना है तो 7, जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। जल हमें साथ लेकर चलना है तो पीएच मान 7, ठीक है, याद हो रहा ना आपको। अगला देखो, नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। जिस प्रकार हमें जल को साथ में लेकर के चलना है, वैसे ही जब आप खाना बनाते हो या कुछ करते हो तो नमक साथ में लेते हो कि नहीं लेते? नमक का साथ होना भी उसी प्रकार जरूरी है, ठीक है। तो नमक का पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। आप हर एक चीज में, खाना में जो है नमक डालते हो, नमक साथ में चाहिए, तो नमक तो होनी चाहिए आपके साथ, तो 7 हो जाएगा नमक का पीएच मान, ठीक है। अगला देख लो, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4, ये रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज बताना कि रक्तदान जो शिविर है वो सप्ताह के सातों दिन लगना चाहिए कि नहीं?
लगना चाहिए सातों दिन, तो आपका सात हो जाएगा रक्त शिविर, ठीक है। और चार बार साल में, चार बार एक वर्ष में चार बार आपको रक्त दान करना चाहिए, तो 7.4 ठीक है, रक्त शिविर आपके सातों दिन लगना चाहिए और चार बार आपको क्या करना चाहिए, रक्त दान करना चाहिए। 7.4 ये रक्त का पीएच मान हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना है आपको। अगला देखो आंसू का पीएच मान, ठीक है, आयु आंसू का पीएच मान क्या हो जाएगा, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 7.4। अब एक चीज बताना कि जब सप्ताह के सातों दिन शिविर लगेगा, रक्त शिविर, रक्तदान शिविर, ठीक है, और आप वर्ष में चार बार डोनेट करोगे तो किसी की आंखों में आंसू आ पाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे। तो आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4, ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना, आंसू नहीं आएंगे अगर व्यक्ति सप्ताह के सातों दिन और वर्ष में चार बार ब्लड डोनेट करेंगे तो, ठीक है। अगला आपको बताना है दोस्तों नींबू का पीएच मान कितना है, नींबू सभी लोग जानते होंगे, नींबू का पीएच मान कितना होता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4, ठीक है, 2.4, 2.4। अब एक चीज बताना, ये 10 का नोट है ना, ये 100 का नोट है, अब आप 10 का नोट लेके जाना, 10 का नोट लेके जाना और बोलना नींबू दे दो, तो आपको 100 नींबू नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2-4 नींबू मिलेंगे, ठीक है, 10 रुपया के आपको 2-4 नींबू मिलेंगे, जरा जाके देख लेना। तो नींबू का पीएच मान कितना होगा, 2.4 यानी कि 2.4, ठीक है, नींबू का 2.4, ठीक है। अगला देखो, याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूध का पीएच मान आपको बताना है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.4 अर्थात 64, ठीक है। आज महंगाई के दौर में आपको पता है दूध कितने रुपया लीटर है, 64 रुपया, है ना, 6.4 यानी 64, तो 64 रुपया लीटर है दूध, ठीक है, तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा 64, ठीक है, 6.4 ये दूध का पीएच मान हो जाएगा। अगला देख लो शराब का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान आपको बताना है कितना होता है, 2.8, 2.5, 3.6 या फिर 2.6, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.8। आजकल व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 2 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक केवल क्या पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कब से लेकर, 2 बजे से 8 बजे तक, तो 2.8 बजे से क्या पी रहे हैं, शराब, तो शराब का पीएच मान 2.8, है ना, तो 2.8 आपका शराब का पीएच मान हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों मानव लार का पीएच मान कितना होता है, मानव लार का हमें पीएच मान बताना है कितना होता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, 65 से 75 यानी कि 6.5 से 7.5, ठीक है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, 65 से 75। अब 65 हो या 75 साल का व्यक्ति हो, अगर उसके सामने ये रसगुल्ला रख दिए जाएं तो उसकी जीभ में क्या आ जाएगा, लार आ जाएगी, लार, ठीक है। तो मानव लार का पीएच मान कितना होगा, अब आप बोल दोगे सर चाहे 65 का हो या 75 का, लार तो आ ही जाएगी, तो 65 यानी 6.5, 75 यानी कि 7.5, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है मानव लार का पीएच मान। अगला देख लो समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, समुद्री जल का पीएच मान, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 8.5, ठीक है, कितना होता है, 8.5 होता है, काय का, समुद्री जल का, ये है समुद्र, और ये जो समुद्र है यहां से कितने किलोमीटर दूर है, 85 किलोमीटर दूर है, और यहां तक का किराया भी आपको 85 लगना है, यानी कि समुद्री जल का पीएच मान आपका कितना होगा, 8.5 यानी 85, ठीक है, 85 यानी 8.5,
ये समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा, क्योंकि आपको 85 किलोमीटर जाना है तो 85 रुपया किराया भी देना होगा, 8.5। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4.8 से 8.4। अब 4.8 है, यहां पर उल्टा कर दो 8.4, ये क्या है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है पीएच मान का पिता किसने जो है किसे कहा जाता है, पीएच मान का पिता किसे कहा जाता है आपको बताना है, सॉरी पीएच मान का पता किसने लगाया, पिता नहीं पता किसने लगाया, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, सोरेनसन, विलियम डाल्टन या फिर हार्वी न्यूटन ने, तो आपको कमेंट में इसको लिखना है पीएच मान का पता किसने लगाया, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट के माध्यम से इसको जरूर बताना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमने पीएच मान पढ़े, पीएच मान को पढ़ करके आपको कैसा लगा, आपको पीएच मान याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को एक बार और देख लें, इसके पहले हमने एसआई मात्रक को आपको याद करवाया था। ठीक है, तो एसआई मात्रक वाला वीडियो भी आप देखें, और भी अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि है ना, समास, ये सारी की सारी ट्रिक मैंने चैनल पर उपलब्ध करवाई हैं, तो वो जरूर आपको देखना है। और ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है तो आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आपको जरूर जुड़ना है, ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, IAS स्टडी ट्रिक आप सर्च करते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आप उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, व्हाट्सएप पर भी है ना, और आप फेसबुक में सर्च कर सकते हैं सुमित जैन, ट्विटर पर भी मैंने आपको बता दिया सुमित जैन सर्च करना है, टेलीग्राम में आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, तो आज हमने पीएच मान के बारे में पढ़ा, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, इसी प्रकार के नए नए वीडियो आप तक प्रेषित करते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।